पवन जी भाई साहब राम राम जी। जय गो माता जी। जय गो माता भाई साहब। हाँ जी, आज के वीडियो में कितनी गायें कवर करवाओगे? आज जयपाल जी 5 गो माता है जी और 1 फीमेल काफ, टोटल 6 है जी। टोटल संख्या में 6 है। हाँ जी हाँ जी। सबकी डिटेल लेंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। सबसे पहले जानेंगे आपका यहाँ का एड्रेस। हमारा जी गांव 19Z, जिला व तहसील श्री गंगानगर और स्टेट राजस्थान है जी। ठीक है जी। हाँ जी। और आपके यहाँ के मोबाइल नंबर क्या है? हमारा जी 9057815317, 9058715317, 9608056800। ठीक है जी। हाँ जी, दोनों मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूँ। आप व्यूअर्स इन नंबरों पर संपर्क करके भाई साहब से इन सभी गायों के बारे में पूरी डिटेल ले सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपकी 1 नंबर वाली गाय की डिटेल। हाँ जी। नस्ल बता दो जी। नस्ल थारपारकर जी। थारपारकर। सफेद सोना जी। सफेद सोना। हाँ, ब्याई हुई है? बिल्कुल जी बिल्कुल ब्याई हुई है जी। कितने दिनों की? ये जयपाल जी इसको आज 3 दिन हो गए जी। 3 दिनों की ब्याई हुई है। हाँ जी। इसके साथ बच्चा क्या है? इसके साथ है जी मेल काफ, बछड़ा है। हाँ जी। 3 दिन की ब्याई हुई है तो खीस कितना रेडी, कितना निकलवा के चेक करवा दोगे? जयपाल जी अभी 10 लीटर समथिंग, 9-10 लीटर रेडी है जी। हाँ। और स्वभाव देख लो जी। हाँ, स्वभाव और थनों की धार दोनों चेक कर सकते हैं। ये देखो जी उल्टी साइड बैठा हूँ। हाँ, ये दूध निकालने वाली सही परफेक्ट साइड नहीं है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ, ये अपने एक स्वभाव भी चेक करवा रहे हैं जी। स्वभाव भी चेक करवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। साथ में थन भी चेक हो रहे हैं। बिल्कुल जी, चीज तो दोनों सही होगी। हाँ जी हाँ जी, स्वभाव भी चेक हो गया, थन भी चेक हो गए। हाँ, दूध भी चेक हो गया कि व्हाइट है जी। व्हाइट है। हाँ जी, दूध तो जैसी गाय है वैसा ही है। हाँ जी, ठीक है। कितने दूध तक चली जाएगी ये जयपाल जी? 13-14 लीटर नॉर्मल डाइट पे, 14 लीटर। अच्छा। बाकी हाइट लेंथ। हाँ। और ये देखो जी जो थार फर के नाभी का साइज होता है। हाँ। वही और हम्प का साइज देख लो जी। हाँ। प्योरिटी में 1 नंबर है जी। ठीक है। हाइट लेंथ बहुत अच्छी गो माता है जी। तो कीमत भी बता दो फिर। कीमत जयपाल जी इसकी है जी 65,000 रुपये। 65,000। हाँ जी हाँ जी। 65,000 रुपीज़। 65,000 जी। ठीक है जी। कुछ गुंजाइश रहेगी इसमें? नहीं जयपाल जी इसमें कोई गुंजाइश नहीं। फिक्स प्राइस है? फिक्स प्राइस है। ठीक है जी। हाँ जी, ये 1 नंबर वाली गाय कवर हो गई है। हाँ जी हाँ जी। और ये दूसरे वाले की और डिटेल लेते हैं। नस्ल बता दो जी। नस्ल ये साहिवाल है जी। साहिवाल है। हाँ जी। ये गैबिन लग रही है? बिल्कुल जी बिल्कुल गैबिन है जी। कितना समय लेगी ब्याने में ये जयपाल जी? लगभग देखो जी 8-7-8 दिन, 7-8 दिन, 10 दिन ले जाए। और ब्यांत कौन सा है भाई साहब इसका? सेकंड ब्यांत है जी। दूसरा ही ब्यांत है? हाँ जी हाँ जी, दूसरा ब्यांत है। हाँ जी। और टाइम थोड़ा ही है बाकी बिल्कुल ब्याने में? 9 महीने लगभग पूरे हो गए जी, 1-2 दिन बाकी है जी, ऊपर वाले दिन लेने हैं जी। जो 10 दिन ऊपर लेती है गाय? हाँ जी हाँ जी। तो लगभग वही बाकी है? वही बाकी है जी। कितने दूध तक चली जाएगी और कितना पिछली बार दिया हुआ है? 14-15 लीटर खुला दूध निकाल देगी जी। पिछली बार कितना रखा हुआ है? पिछली बार इसने दिया जी 12-13 लीटर जी। 12-13 लीटर। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो इस बार की उम्मीद कितने की रखें? 14-15 की। कीमत क्या रखोगे फिर भाई साहब? कीमत बिल्कुल वाजिब है जी। कितनी रखी? ओनली फॉर इसके है जी 35,000। 35,000। हाँ जी हाँ जी। 35,000 रुपीज़। हाँ जी हाँ जी। ठीक है जी। ये तीसरे नंबर वाली की और नस्ल बता दो जी। ये है जी राठी नस्ल में जी। राठी बड़े हम्प वाली। हाँ जी। अच्छा, डिटेल इसकी भी पूरी बताओ भाई साहब। ये जयपाल जी सेकंड ब्यांत में ब्याई हुई है जी। ब्याई हुई है? हाँ जी हाँ जी। दूसरे ब्यांत में? दूसरे ब्यांत में। ब्याये को इसको समय कितना हो गया? ब्याये को इसको हो गया जी 7-8 दिन। 7-8 दिन की ब्याई हुई है? हाँ जी। अच्छा, 7-8 दिन की ब्याई हुई है तो लगभग लगभग 60-70% दूध तो तैयार हो गया होगा जी। बिल्कुल 10-11 लीटर की अपने 4 टाइम मिल्किंग करो जी। अच्छा। हाँ जी ठीक है। फिर कितना दूध उम्मीद करके लें जी? ये जी 14 लीटर। 14 लीटर। हाँ जी। 7 लीटर 1 टाइम का? बिल्कुल। अगर कोई मिल्किंग देखे तो जी? 4 टाइम देखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ, मिल्किंग करवा के दिखा दो। अपने और कोई काम नहीं है जयपाल जी, यही काम है गो माता का ही। अपने को जब मर्जी भाई कोई फोन कर सकता है। हाँ। जब मर्जी अपनी गाय की मिल्किंग कर सकता है जी। हाँ। और अपने कोई बिजनेस नहीं है जी। ठीक है। हाँ जी। तो मिल्किंग देखने परखने के लिए विजिट भी कर सकते हैं? बिल्कुल जी, विजिट करो, रहना खाना अपने यहाँ, रहने की और की टोटल सुविधा है जी। ठीक है। हाँ जी। इस गाय की कीमत और बता दो जी। इस गाय की कीमत 35,000। 35,000। 35,000 रुपये में जी। 35,000 रुपये में ब्याई हुई और शुद्ध रूप से देसी? शुद्ध रूप से जी 100। क्योंकि गाय तो 35,000 नहीं जी, 30,000 में भी मिल जाती है, पर ये देसी मिलना मुश्किल है। बिल्कुल जी। ये देसी जो इसके देसी वाले सभी करेक्टर जिस गाय में हो वो मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। थनों के बीच गैप अच्छा है, लंबी पूंछ है, लंबी नाभी है, बड़ा हम्प है, सुंदर सींग है, भारी झालर है। बिल्कुल। गाय अच्छी है? गाय बहुत अच्छी है। और कीमत भी अच्छी? कीमत भी बहुत अच्छी है। ठीक है जी। ये 4 नंबर वाली गाय?
बिल्कुल जी। ग्याबिन है ब्याई भी? ब्याई हुई है जी। ब्याई हुई है? हाँ जी। ये कितने दिनों की? ये आज इसको तीसरा दिन है जी। तीसरा दिन है? हाँ जी। और बच्चा क्या लेके आई? बच्चा बछड़ा जी। बछड़ा मेल काफ? मेल काफ जी। दूध कितना रेडी? दूध जयपाल जी इसके अभी लगभग 9-10 लीटर, 9-10 लीटर रेडी है। 9-10 लीटर रेडी है? हाँ जी। तो 9-10 लीटर की मिल्किंग हो सकती है? बिल्कुल जी बिल्कुल। कितने दूध तक और बढ़ने की संभावना जी? देखो जी यही 10-11 लीटर देगी जी। तो लगभग लगभग अपने पूरे दूध के नजदीक है? नजदीक है जी। ठीक है जी। सेकंड ब्यांत में ब्याई हुई जी। हाँ, दूसरा ब्यांत है? हाँ जी। छोटे सींग है और कद भी मीडियम जैसा है? बिल्कुल जी। कीमत कैसी है? कीमत ओनली फॉर 30,000। 30,000 रुपए? हाँ जी। 30,000 रुपीज? 30,000 रुपए। ठीक है जी। 500 के 30 नोट जी। अच्छा 60 नोट? 60 नोट। ठीक है जी। तो ये एक और ऊंचे कद काठी वाली गाय? हाँ जी। नस्ल इसकी बता दो जी। साहिवाल ब्रीड में जयपाल जी। हाँ। ब्याई हुई को हो गया इसको 1 महीना और 8 दिन जी। 1 महीना 8 दिन की ब्याई हुई है? ये अच्छा। किसी परिचित भाई ने किसी भाई को दी थी। हाँ। और इसके क्या है जी, ऑर्डर था बहुत ज्यादा जी। हाँ। इसके एक थन में कोई दिक्कत आ गई जी। अच्छा। हाँ जी। क्या दिक्कत आई? थन चालू है, पीछे देखो जी ये वाली बछड़ी है जी। हाँ, ये इसके साथ बछड़ी है? हाँ जी, फीमेल काफ है जी, बछड़ी है इस गाय के साथ। तो वो जी फौजी भाई थे। हाँ। खुद रहते नहीं थे, वो कहते कि अपने को एक ही गाय पवन जी चाहिए भाई, उनसे कोई बात नहीं हो रही हमारी ढंग से, आप हमका हमारा कोई हल निकालो। तो उनको एक गाय दी और ये उनसे गाय मैंने वापस मंगा ली। अच्छा। हाँ जी। वो कहते कि जितने की बिके अपने को उतने रुपए दे देना जी। अच्छा। उनकी ये मानते है अपने। हाँ। जितने की अगले को लगती है उतने की दे देंगे जी। ठीक है। पीछे बछड़ी है जी, जितनी इसकी कीमत रख रहे हैं उतने की तो फीमेल का बछड़ी है जी। बछड़ी है इसके साथ। और दूध अभी 4-4 लीटर तैयार है जी। हाँ, रेडी। हाँ जी। और बिल्कुल शांत स्वभाव जी। स्वभाव की शांत। हाँ। तो फिर कीमत फिर आपने कितनी रखी है इसकी? कीमत इसकी ओनली फॉर 20,000 रुपए की दे देंगे जी, बछड़ी के साथ। और अपनी गारंटी है जी, कोई न्याणा ना ले, दूध ना निकलवाए, कुछ भी किंतु परंतु XYZ अपनी गारंटी है जी। ठीक। वैसे ये सबसे ऊंचे कद वाली है? मैं कहता हूँ जी गाय का इसकी मैं वीडियो डाल दूंगा जी, ऐसे ऑर्डर था इसका, कोई देखो जी मिस्टेक होगी बेचारी गौ माता के, तो कोई भी किंतु परंतु इसमें नहीं है जी। ओनली फॉर 20,000 रुपए में कोई भाई दूध पीने वाला हो तो उसको दे देंगे जी। वीडियो में एक लास्ट बछड़ी बताई थी? बिल्कुल जी। तो ये बछड़ी है? हाँ जी। हाँ जी। नस्ल जी? नस्ल प्योर थारपारकर है जी। थारपारकर। हाँ जी। हाँ जी। उम्र कितनी है भाई साहब? उम्र जयपाल जी इसकी होगी जी 15 महीने जी। 15 महीने उम्र की है। क्या मदर रिकॉर्ड की है जी? मदर रिकॉर्ड इसका नॉर्मल ही है जी, 17-16 लीटर। हाँ। कोई ऐसे नहीं भी कोई अपने कह दे जी उस फार्म की है, उस फार्म की है। हाँ। आम घर की बछड़ी है जी। अच्छा। हाँ जी। बाकी प्योर और स्वभाव जैसा थारपारकर का होता है जी, वैसे ऐसे ही नहीं उछलना कूदना वो नहीं है। बाकी प्योरिटी देख लो जी, नाभी। हाँ। और इसका कर्ब वगैरह सब एक नंबर है जी। ठीक है। हाँ जी। तो कीमत? कीमत इसकी ओनली 21,000 रुपए की दे देंगे। 21,000 रुपए? हाँ जी। 20,000 रुपए में गाय? हाँ जी। और 21,000 रुपए में बछड़ी वाली? हाँ। और 21,000 रुपए में खुद थारपारकर बछड़ी? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो आज तो कीमतों में चौंका दिया है। हाँ जी। हाँ जी। थारपारकर लेनी हो या लेनी हो साहिवाल, अच्छी गायें आज की वीडियो में दिखाई है। बिल्कुल जी बिल्कुल। व्यूअर्स से निवेदन करूंगा कि आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि कौन से वाली गाय पसंद आई और कौन से वाली बछड़ी। हाँ जी, हाँ जी। शुरुआत सफेद थारपारकर से की थी और एंड भी थारपारकर पर ही है। हाँ जी। हाँ जी। तो कौन से वाली ज्यादा अच्छी लगी कमेंट में जरूर से लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर से करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी भाई साहब। जय गो माता जी। जय गो माता। राम राम जी। राम राम जी।